पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा यदि यूनिफॉर्म हो तो, और इसका डेंसिटी भी वेरी करके बताया था और कहा था कि जो तरीका है वो बदलता नहीं, जनरल तरीका होता है। अब सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें वो भी यूनिफॉर्म रह सकता नहीं तो उसमें बदलाव हो सकता है। यदि सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें ये सेमी सर्कुलर डिस्क, तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क है और इसका अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है तो कंप्लीट रहता तो बता ही लेते, लेकिन इसका बताना मुश्किल हो रहा है सेमी सर्कुलर डिस्क का, क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, इधर कहीं होगा सिमेट्रिकली, लेकिन कहां पर होगा ये आसान नहीं होगा। फिर से इमेजिन करो कि सेमी सर्कुलर डिस्क को एक जगह से पकड़ लिया जाए तो ये लाइन जो डायमीटर है वो कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से, ठीक वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा जैसे एल शेप वाला था, नहीं तो मतलब एक ही तरह के क्वेश्चन कई ऑब्जेक्ट के लिए सबके लिए बनाया जा सकता है। एक ये पॉइंट है जो ध्यान रखना है और तरीके नहीं बदलेंगे, वही एमजी और रस्सी वाला टेंशन एक लाइन में होना चाहिए, यदि ये यूज करेंगे तो लंबा नहीं होगा छोटे में आ जाएगा सीधा आंसर आ जाएगा। तो यदि कोई कहे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, कई तरीके हो सकते हैं, एक तो जनरल एक्सप्रेशन लिख दूं ऐसे, मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं जो साइंस के लिए जरूरी है ना कि केवल किसी तरीके से आईटी निकल जाए वो वाली बात किया जाए। तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx लंबाई और dy चौड़ाई का, एक dm एलिमेंट लूंगा और ऐसा लग रहा है कि ये काफी जनरल लग रहा है और इसको इंटीग्रेट इसकी बात करूंगा तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज्यादा लगने लगेगा आपको और आएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे ऐसे काट दूं छोटे छोटे पार्ट में, तो छोटे छोटे पार्ट में ऐसे काट देंगे ऐसे ऐसे और थिकनेस कितना रखेंगे टेंडिंग टू जीरो नॉट जीरो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में काट देंगे तो सब रॉड बन जाएगा, सिमेट्रिकल रॉड्स बनेंगे ऐसे ऐसे काट देंगे तो, और अच्छी बात होगी उस रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा और वो बीचों बीच वाई ही होगा, तो जितने भी रॉड बनेंगे उनका सेंटर ऑफ मास वाई पर होगा, तो भला सारा रॉड का मिला के भला दूसरी जगह कहां से हो जाएगा, तीसरा मतलब वाई पर होगा, तो ये भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि रॉड की लंबाई वैरी कर रही है, पहला रॉड कितना लंबा होगा जीरो, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा नीचे जाओगे तो थोड़ा और ज्यादा होगा। इमेजिन कर पा रहे क्या आप लोग, सबसे लंबा रॉड कितने का होगा, सबसे लंबा रॉड। तो ये भी तरीका है घर पे करना, सारा तरीका बताऊंगा तो कोर्स ही खत्म नहीं होगा, पता चला कि हर एक पीरियड में डिस्क पे ही लगे सारा तरीका बताऊंगा तो, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा और जो मैं अक्सर बात करता हूं उतना डिस्कशन दुनिया का कोई भी टीचर नहीं करता और ये फैक्ट है, आप कहीं देख चेक कर लीजिएगा। दूसरा एक ये हो सकता है कि ना हम ऐसे रॉड ले लें ऐसे 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 काट देंगे और उसका सेंटर ऑफ मास टेढ़ा ऐसे बीच बीच में होगा तो थोड़ा थोड़ा कठिन होने लगेगा। सबसे आसान वो वाला होगा जब हम रिंग लेंगे, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, सबसे छोटा रिंग कितने रेडियस का, सबसे छोटा रिंग जीरो, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, ऐसे तो सेमी सर्कुलर रिंग मतलब कंप्लीट रिंग नहीं।
तो ऐसे करके रिंग के ऊपर रिंग ऐसे से लेयर टू लेयर चढ़ाते जाएंगे, डिस्क बन जाएगा। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं तो इसी से कर जा रहा हूं, क्योंकि क्योंकि ये सबसे आसान है। और सबसे आसान केवल इसलिए है क्योंकि हम सेमी सर्कुलर रिंग का जान चुके हैं। नहीं तो यदि नहीं जानते, इमेजिन करें कि सेमी सर्कुलर का आपको नहीं मालूम है और रिंग लेके निकालना है, तो जानते क्या करना होगा? पहले स्मॉल आर रेडियस का रिंग लेना होगा और उसको रिंग को फिक्स करना होगा, चलाना नहीं होगा। माना कि स्मॉल आर रेडियस का ही रिंग है, जिस कैपिटल आर कितने 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 रेडियस का रिंग लेना होगा, स्मॉल आर रेडियस का, और कितने थिकनेस का लेना होगा, डी आर थिकनेस का। और पहले हमें रिंग का निकालना पड़ेगा, सेमी सर्कुलर रिंग का, और वही रिजल्ट आएगा जो हम लोग निकाले थे, और फिर उसके बाद रिंग को चलाना होगा। तो दो इंटीग्रेशन तो है, जो पहला वाला लिए थे छोटा सा एलिमेंट डीएक्स लंबाई और डीवाई चौड़ाई का, उसमें भी दो इंटीग्रेशन है। जो ऐसे रॉड लिए थे ऐसे ऐसे वाला, हालांकि उसमें भी दो इंटीग्रेशन था, लेकिन क्योंकि रॉड की सिमेट्री से जानते थे कि सेंटर ऑफ मास बीचो बीच होता है, इसलिए हम लोग एक इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। तो इसका मतलब लग रहा है कि रॉड वाला भी ठीक है, लेकिन रॉड वाला भी ठीक है, लेकिन आपको वाई पर डी वाई थिकनेस का लेना होगा और फिर उस रॉड को चलाना होगा और एक इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो मैं रिंग लेने जा रहा हूं, और रिंग इसलिए लेने जा रहा हूं क्योंकि रिंग वाला का, रिंग वाले का रिजल्ट हमें मालूम है। कबूतर, तो लेते हैं, तब एक रिंग लेते हैं, ये लोग आई रिंग है, ये देखो कितने रेडियस का रिंग है, जनरल रेडियस आर का, और जिसके अलोंग वेरिएशन मानते हैं ना रेडियस का, उसी के अलोंग हम लोग चेंज भी मानते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट टाइप का। सो ये कितने थिकनेस का होगा, ये बताओ, डी आर थिकनेस का होगा रिंग। यदि मैं कहूं कि इस रिंग का सेंट्रल मास वाई पर है और कितना दूर है, तो नहीं बता सकते हो, 2 स्मॉल r बाई पाई, याद आ रहा है? Yes, sir. कहां पे है? 2 r बाई पाई पे, कैपिटल r नहीं। जल्दी जल्दी में, जल्दी में बच्चे जो माने रहते हैं और जो कांस्टेंट होता है, जो दिया गया था उसमें इधर उधर जल्दी लिख देते हैं और गलत हो जाता है उनका। तो मैं, अच्छा हाँ, मैं छोटा था ना, तो आप लोग पता नहीं ये वाला जिंदगी आप लोगों को मौका मिला है नहीं जीने का, साड़ी का किनारा आर के नाम पे साड़ी का किनारा होता है, ये सब मनान लगता है। तो स्कल्पचर के नाम पे या जो पॉटरी जो बोलते हैं कि मतलब सामान खड़ा वड़ा बनाने के नाम पे हम लोग गिलास बनाते थे। तो पहले छोटा सा बना लेते ऐसे ऐसे करके गीली मिट्टी का, और उसे पूर के तो हम लोग मिट्टी को पूर के पहले छोटा सा ऐसे लगाते थे, और फिर थोड़ा सा बड़ा लगाते थे गुलाब बना के, फिर थोड़ा और बड़ा लगाते थे। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? छोटा सा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा करके, तो ऐसे हो जाता था, और एक लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे ऐसे करके, और लेके स्केल फिर टक 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 मार देते थे उसको ताकि बराबर हो जाए। कितने रखी है? आधे भी नहीं किए। तो उस समय का एजुकेशन अच्छा लगता था, लग रहा धीरे धीरे गायब हो रहा है सब। लेकिन मिट्टी में वहां क्या खा लिया, बना के एक बना के रखिए बन के, अच्छा रखना भी होता था उसके बाद, उसको सुखाना होता था, फिर रखना होता था। लाल पीला नीला, तो वही वही चीज है। यदि लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर
लेयर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, तो डिस्क बनेगा और सब क्या होंगे, रिंग होंगे छोटे छोटे, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा देखो, तो वाई सी एम दैट इज व्हाट समेशन ऑफ डीएम रिंग और वाई सी एम रिंग डिवाइडेड बाय डीएम रिंग, सही है। अच्छा डीए कब पर रिंग होगा, ये फाइनल और सारा रिंग का उतना ही मास होगा जितना डिस्क होगा, तो नीचे मैं इंटीग्रेट नहीं भी कर सकता था यदि मास डिस्क का दिया होता है। लेकिन यदि कह दे नहीं हम आपको सिग्मा देंगे वेरिएबल और ऐसा कुछ, तब तो ये जरूरत पड़ेगा, काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको मास मालूम नहीं है, समझ आ रहा है। तो अभी फिलहाल यूनिफॉर्म डिस्क है, आसान वाला है वो कर लेते हैं। माना कि डिस्क का मास कितना है एम, या फिर कोई कहे कि सिग्मा है तो भी चलेगा फिलहाल, है ना, ताकि मैं सिग्मा की एक्सप्रेशन में लिख दूं। और अभी फिलहाल यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं, एम लिख सकते हैं क्योंकि डिस्क का मास एम कहा गया है। तो अच्छा हाँ, तो ये रिंग का डीएम रिंग, ये जो डीएम रिंग है ये कितना होगा, टोटल मास बाय टोटल एरिया, क्या आप लोग समझ रहे हैं, टोटल मास बाय तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क का तो टोटल टोटल मास बाय टोटल एरिया, एरिया इसका तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 ही होगा, मतलब कंप्लीट का पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू इंटरेस्टेड एरिया, ताकि उतने का मास निकल जाए। इंटरेस्टेड एरिया कितना है, जो डैश डैश ये जो शेडेड है, तो कितना है एरिया, पाई आर दिया, कैसे इसको इसको सीधा करेंगे ना, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन लंबाई गुणे चौड़ाई छोटा सा स्टिक है तभी चलेगा, यानी कि मैं बड़ा सा ऐसे ले लूं और उसमें लंबाई चौड़ाई कर दी, ये छोटा सा इसलिए पतला सा है इसलिए ऐसा हो रहा है। वैसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया कैसे निकाला जाता है, टोटल बाहर वाला टोटल एरिया माइनस अंदर वाला टोटल एरिया, और फिर उसमें लिमिट लेंगे तो यही वैल्यू आएगी, लेकिन लिमिट लेंगे तब आएगी, मैं समझना है। जैसे मैं कह दूं कि ऐसे मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला है और ये आर वन है और ये आर टू है, और कहूं कि ये वाला एरिया बताइए, तो वैसे आप नहीं लेगा, जानते हो कितना एरिया है इसका, ये शेडेड पाई आर टू स्क्वायर बाई टू, पाई आर टू स्क्वायर बाई टू रूट माइनस पाई आर वन स्क्वायर बाई टू, बस इसके अलावा कोई तरीका नहीं, ये तरीका है ना, पूरे में से ये वाला घटा देना वो नहीं लेगा। तो क्या इसी तरीके से यहां पे इसका इसका निकाल सकता है, पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर बाई टू, पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर बाई टू माइनस पाई आर स्क्वायर बाई टू, और इसमें लिमिट लिया जाएगा तो मालूम है क्या मिलेगा आपको, पाई आर डी आर मिलेगा, कर दे सकते हैं लिमिट लेंगे तब, बिना लिमिट नहीं हो सकता ना, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। सो इनटू पाई आर डी आर, पाई आर डी आर ये मास है। तो अच्छा ये मालूम चल गया, बोलो इसकी जगह ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिलहाल एम लिखना है क्योंकि टोटल मास एम, और यहां पर रखने इसको क्या लिखोगे, टू आर बाई पाई, कौन सा वाला छोटा लिखो, अपने से करो आंसर आएगा,
सभी लोग करो ना, सभी लोग ट्राई करिए, अब अपने से एक्सप्रेशन भी लिख लीजिए और देखिए कि वही आंसर आता है कि नहीं जो लिखवाए थे। इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए था, ये देखो, यदि सिग्मा दिया होता तो हमें लिखना चाहिए था सिग्मा पाई आर दिया। सिग्मा की जगह ही ये है, मैं ये सिग्मा उसके लिए यूज किया हूं जब मैं सिग्मा वेरिएबल दे दूंगा और कठिन क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। सेमी सर्कुलर रिंग आपको ऐसे ही लेना होगा, तरीका नहीं बदलेगा। सिग्मा भले कितना भी खतरनाक वेरिएशन क्यों ना दे दूं मैं, तो ये समझना है। तो मैं नीचे वाला यूज कर ले रहा हूं, जैसे देखो नीचे वाला, ये वाला यूज कर ले जा रहा हूं, ये वाला। बताओ रिंग का मास बताओ, सिग्मा पाई आर डी आर, ठीक लिखा हूं देखो तो। हाँ आप ये भी यूज कर सकते हैं फिलहाल, यूनिफॉर्म है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको क्या लिखोगे, YCM रिंग बताओ, 2R by पाई। और नीचे क्या लिखूं, देखो ऊपर DM रिंग है और YCM रिंग है प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखूं, सिग्मा पाई R DR। अब बताओ लिमिट है ना, लिमिट रखना है तो लिमिट रखना, तो ये जो देखो एरो देखो कैसे जनरल लिए हो इसे, तो बहुत सारे बहुत कम बच्चे जानते हैं जनरल, इसीलिए उनका वीक भी होता है। तो जनरल देखो, जनरल आर दूरी पर डीआर थिकनेस लिया गया है, लेकिन गए थे यहीं से जहां से लो रही हूं, तो पीछे आओ, लोअर के लिए पीछे और अपर के लिए ऊपर चले जाना। तो बताओ पीछे लेके आओगे सबसे पहला को कितने रेडियस का रिंग लिए हो, जीरो। कितने रेडियस का रिंग लिया होगे, अब फिर रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, इस तरह इनफाइनाइट रिंग लेके लास्ट वाला कितने रेडियस का रिंग लिए होगा, कैपिटल आर। ये मेरी बात समझ में आ रही है, और आंसर आ गया। सिग्मा तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं थी ऐसे लिखने की भी, और लेकिन ये फिर इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ गई थी, है ना। यदि सिग्मा का लिखोगे तो सिग्मा बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन तब नीचे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और नीचे इंटीग्रेट नहीं करते एम लिख देते यदि वैसे करते तो। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये जनरल का मतलब समझ रहे हैं, ये जनरल एक्सप्रेशन का मतलब है 1000 क्वेश्चन सिग्मा दे दे के बनता है, लेकिन सबके लिए जो लिखा हो वही लगेगा 1000 क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं जानबूझ के सिग्मा के टर्म में लिखा। तो सभी लोग निकालिए जल्दी से, देखिए कितना आता है, कितने लोग आ गया, काफी लोग आ गया। और यदि मैं सिग्मा वेरिएबल दे दूं तो कुछ और करोगे क्या, एग्जैक्टली यहीं पे रखते रहोगे और आंसर आता रहेगा। यदि इंटीग्रेबल नहीं होगा ना तो फिर दुनिया का कोई व्यक्ति निकाल भी नहीं पाएगा, फिर सेंटर मास आएगा भी नहीं उसका, क्योंकि इसके बाद तरीके ही नहीं, तो करोगे क्या, कहां से करोगे। तो ये तरीका बताओ भाई, अब यदि रेडियल वेरिएशन देंगे तो डंडा और करना है ना, अरे तो यदि वैसा वेरिएशन है तो तब और खतरनाक हो जाएगा ऐसे वाला डंडा, इसलिए तो रेडियल वेरिएशन। तो ऐसे केस में रेडियल वेरिएशन देगा अक्सर, है ना। तो हमें लगता है कि यदि सिग्मा हम लोग, अच्छा फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि
जब आप तैयारी करिए, पढ़िए, क्लास करिए, तो आप आईटी वाला भूल जाइए, वो मिल जाएगा आपको ऐसे ही। और घर पे जाके सही में रॉड वाला करना, देखना तुम्हें एलिमेंट लेने आता है कि नहीं, कुछ गलतियां तो नहीं हो जा रही है, आंसर आता है कि नहीं, ये वाला रॉड लेना, वो एक्सप्रेशन लिखना जो जिसको हम लोग मोस्ट जनरल कहते हैं, जिसे हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, कौन सा वाला, dx लंबाई, dy चौड़ाई, जनरल xy कोऑर्डिनेट, जनरल xy कोऑर्डिनेट, dx लंबाई, dy चौड़ाई, और उसका पोजीशन क्या है, xy, इसको लेके तुम सोचना, हायर थोड़ा ऊपर वाला, अभी ये मत करना कि सर जब रिजल्ट आएगा क्यों सोचवाते रहते हैं, क्या जरूरत है। तो मैं कई बार बोला भी हूं कि जहां पे जाना चाहते हैं वहीं से मैं पढ़ के आया हूं, और वहां पे पढ़े हुए लोग बहुत कुछ काम बड़ा नहीं किए और नहीं करेंगे। कुछ लोग अच्छा करते हैं जो इस तरह से अप्रोच करते होंगे, जैसे हम लोग कुछ अलग किए, अच्छा किए, तो आप लोग भी तभी अच्छा करेंगे जब आपकी सोच ऐसी होगी। तो तो सिग्मा वेरिएशन दो क्या आपको, सिग्मा वेरिएशन एक कर दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सिग्मा वेरिएशन ले लीजिए, यदि मैं आपको कह दूं कि पहला केस दे दूं कि सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट आर बाई आर है, दूसरा दे दूं कि सिग्मा नॉट सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, और तीसरा दे दूं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर है, ऐसे बस अंडर रूट आर बाई आर है, e to the power sin है, sin r by r, sinusoidal मतलब बड़ा खतरनाक वेरिएशन बन जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर क्वेश्चन बनता है, किताबों में ना हो और एग्जाम नहीं आने या तो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन ही बनते हैं, sin log exponential this that, 1000 क्वेश्चन में 1000 तक टाइप लिख सकता हूं। तो जल्दी से आसान वाला कर दीजिए, वेरिएबल डेंसिटी का जल्दी करिए, पहला कर दीजिए 3r by 2π, कम से कम ये वाला लिख लीजिए वेरिएशन, ये तो और भी लिख दूं, ये वाला हटा ही देता हूं, ये वाला हटा देता हूं और आपको बहुत सारा लिख देता हूं, लिख के दिखा देता हूं। मैं ये देख सकता था आपको, मैं कह देता कि सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट अंडर रूट आर बाय आर है, मैं आपको दे देता सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट साइन आर बाय आर है, मैं आपको दे देता सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाय आर है, मैं आपको दे देता सिग्मा सिग्मा नॉट आर बाय आर वन माइनस आर बाय आर है। तो अच्छा ये वाला देखो, ये वाला ध्यान दे रहे हो, ये शुरुआत में डेंसिटी कितनी होगी, जीरो, और इसके लास्ट में कितनी होगी, जीरो, शुरू में जीरो ये बनाएगा और लास्ट में जीरो ये बनाएगा, मतलब जानबूझ के अजीब सा दिया हूं, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी जानते हो कहां पर होगी, कैपिटल आर बाई टू पर होगी, कितने की होगी, मतलब इसकी डेंसिटी जीरो से बढ़ बढ़ के आर बाई टू पर, कैपिटल आर बाई टू पर मैक्सिमम होगी, फिर घट घट के जीरो जाएगी, किस तरह का दिया हूं, पिछले क्लास में बुल्ली तय का बात किया था, तो वैसे ही, तो मैं दे सकता हूं, मैं लॉग भी दे सकता हूं, है ना। तो जल्दी से पहला वाला कर दीजिए और ये वाला लिख लीजिए कि क्वेश्चन बनते हैं और सबके लिए करना जानते हो क्या है, देखो इधर इसके अलावा करना ही नहीं है, केवल सिग्मा रखोगे और मैथ शुरू हो जाएगा, सिग्मा आप रखेंगे और मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स अच्छा फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स उतना ही था जब हम लोग ये एलिमेंट लिए, ये फार्मूला लगाए और फिजिक्स खत्म हो गया, इसके बाद मैथ शुरू करें, जल्दी से सभी लोग पहला वाला कर लीजिए, कम से कम 3r/2π, 3r/2π कितने लोगों को आ गया, 3r/2π
3r/2π। और मैं ये सब देख के मैं मास भी पूछ सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कि मास बताइए, तो मास बता सकते हैं क्या इसका? सभी लोग मास बताइए, का पहले वाले का इसका मास बताइए जल्दी से। सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 3, सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 3 मास है। और ये खुद भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मास भी पूछा जा सकता है, सेंटर ऑफ मास तो एक अच्छा क्वेश्चन है ही। तो ये एक पॉइंट आया हम लोगों के सामने। तो क्या हम लोग इस तरह के वेरिएशन को सबको करना जान गए, तो क्या हम लोग ये भी कर सकते हैं क्या कि आप लोग ये बता दें हमको, देखता हूं क्या लोग बता पाते हैं कि नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे, ट्राई करेंगे, हमको आप ये बता दीजिए। ये R1 है और ये R2 है, आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कि कहां पे है, खाली है ये R1 तक खाली है, आउटर R2 है, इसका बताना है सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। 4/3π r2 - r1 जल्दी करो, जल्दीबाजी में क्लोज कर देते हैं, कई बार पेन चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए नहीं मिलता है, पेन चलाया होगा कुछ गलत 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 चलाया होगा। करना क्या पता है, देखो यही है यूनिफॉर्म है, तो सिग्मा मान लेते हैं और ये देखो रिजल्ट, देखो बताओ इसके लिए क्या ये लेना सही है। देखो स्मॉल आर रेडियस पे, स्मॉल आर रेडियस पे dr थिकनेस का रिंग लेंगे, स्मॉल r रेडियस पे dr थिकनेस का रिंग लेंगे और एक्सप्रेशन यही लिखेंगे, जानते हो अंतर क्या आएगा, लिमिट अंतर आएगा। माना कि सिग्मा इसका मास पर यूनिट एरिया है, हालांकि इसका मैं मास देके भी कर सकता था, मास देता तो मास पर यूनिट एरिया नहीं निकल पाते। यदि मैं m दे दूं तो व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया, कितने लोग बता पाएंगे जल्दी बताओ। इफ m इज मास ऑफ दिस शेप देन व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया, बताएं हम आपको। टोटल मास बाय टोटल एरिया, व्हाट इज टोटल एरिया, पाई r2 स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई r1 स्क्वायर बाय 2, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे चलते तो नीचे क्या लिखते पता है, एम लिखते, यदि इसको लेके चलते तो नीचे क्या लिखते। तो अब आपके ऊपर है, दो ऑप्शन है, या तो सिग्मा ही मान के कर लो या तो एम। अच्छा हाँ, यदि कह दे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो एम और सिग्मा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो लेना ही पड़ेगा, या तो एम लेना होगा या तो सिग्मा लेके। और जो तो बच्चों से क्यों नहीं आता है, क्योंकि कुछ चीजें नहीं दी होती हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है और बच्चे मानते नहीं है तो आता नहीं है, मानोगे तभी ना आएगा। 4/3π r1² + r2² + r1 r2 / r1 r2 ये सही लग रहा। तो क्या ये देखो, तो लिमिट रखे, चलो इस रिंग को चलाते हैं। अच्छा है, देखो देखो ऐसे देखो
रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, ऐसे कथ रिंग का नाइन रिंग। लेकिन लिमिट तो ऐसे करना होगा ना, पीछे आए, ये देखो एरो, एरो देखो पीछे आए, तो सबसे छोटा रिंग कितने रेडियस का, अब उससे कम तो नहीं करोगे ना, पिछले मैंने जीरो था यार, इसमें कहां है, तो सबसे छोटा रिंग कितने रेडियस का, अब फिर बड़ा ले, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस, तो फ्रॉम आर वन टू आर टू, फ्रॉम आर वन टू आर टू, स्मॉल नहीं है, स्मॉल तो यहां वेरिएशन ना, स्मॉल का वेरिएबल ना, फ्रॉम स्मॉल, फ्रॉम आर वन टू आर टू, सभी लोग करिए जल्दी से, जल्दी से सभी लोग करिए, इसको ऐसे नहीं कर सकते कि जितना ये मास हटा हुआ है इतनी ही डेंसिटी का एक सर्कल रखते हैं, इतनी ही डेंसिटी का एक सर्कल रख देते हैं, फिर नीचे की तरफ एक मास इतना निकला रहेगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो अलग आएगा, ऊपर वाले का अलग आएगा, और दोनों में से माइनस कर देंगे, नहीं सर ऐसे नहीं निकलता, उसका सेंटर ऑफ नेगेटिव मास से मल्टीप्लाई करके तब निकालेंगे, नहीं ऐसे करोगे तो भी सर सेम आएगा, नहीं मैं ही कर रहा ना, गड़बड़ क्या होगा तुम्हें बता रहा हूँ, इसका माना सेंटर ऑफ मास वाई पर है, ठीक है, इसका माना सेंटर ऑफ मास वाई पर है, और छोटे वाले का इसका सेंटर ऑफ मास तो मालूम है क्योंकि कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि दोनों को मिला देंगे तो हमें रिजल्ट मालूम है, माना कि ये m है तो फिर तुम्हें इसका m निकालना पड़ेगा उसी टर्म में, या फिर सिग्मा के लिए करना, फिर आसान नहीं होगा, पर ले जाना कभी कभी वैसे ही आपको करना ऐसे ही पड़े, ये भी वैसे ही है, तो एक और तरीका क्या है सुन लो फिर से सभी लोग इसको करने का, चाहे कहीं और भी तुम लोग यूज कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, चाहे कहीं करेंट में, सिलिंड्रिकल डिश में क्या होल है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, माना, अच्छा माना क्या, मैं तो कहता हूँ सिग्मा मान के कर दो, बताओ इसका मास लिख सकते हो कि नहीं सिग्मा के टर्म में, कैसे, एरिया, एरिया मालूम है इनटू सिग्मा, बोलो अच्छा इसका लिख सकते हो कि नहीं, देखो इधर पूरा शेप देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया पाई आर वन स्क्वायर इंटू सिग्मा ना, बताओ इस वाले का तुम्हें सेंटर ऑफ मास मालूम है कि नहीं, कंप्लीट है ना ये तो, तो कितना कहाँ पे है, फोर आर वन बाय थ्री पाई, बोलो कहाँ पे, तो अब मैं कैसे सोचना हुआ सुनो, मेरे दिमाग में दो मास है जिसका रिजल्ट है कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क, बोलो है, तो मैं लिखूंगा ऐसे कंप्लीट सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r 2 बाई 3 पाई, ठीक लिखा हो, देखो कंप्लीट सेमी सर्कुलर, कंप्लीट मतलब ये देखो ऐसे ठीक लिखा हूं, हाँ अब मैं क्या करने जा रहा हूं, बराबर ये वाला जो लिखे थे m1 जो स्ट्रक्चर है जिसका पाना है YCM प्लस m2 इसका, इसका मालूम ना कितना था, ये सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाय 2 इनटू इनटू 4 R1 by 3 divided by M1 plus sigma pi R1 square by 2, ये समझ में आ गया, this given structure का मास, अच्छा मास लिख लो, लिख लो कि लिख दूँ,
लिख लोगे ना तो कैंसिल हो जाएगा यार। इसकी जगह क्या लिखना है बताओ, इसकी जगह इसकी भी जगह लिख लेना, इसकी भी जगह लिख लेना, इसकी जगह तो मैं लिख ही दिया हूँ। आपको नहीं लगता इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल YCM जो स्ट्रक्चर है उसी का वाला बाकी है? तो इंटीग्रेशन से बच गए और आंसर वही आएगा। यदि आंसर वो नहीं आया तो फिजिक्स पे वही आ रहा है सेम एक्सप्रेशन मतलब जिसमें इंटीग्रेशन ही नहीं किए। तो अच्छा हाँ, ये एक ऐसा आइडिया है जिसको हम लोग कहीं और भी अप्लाई करेंगे और खूब एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, खूब कठिन कठिन क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें जो सिमेट्री होती है वो होल बनाकर हॉलो करके ध्वस्त कर दिया जाता है, वो भी डिससिमेट्रिकल होल अगल बगल कहीं पे। और तब कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए। जानते हो क्या करना होता है? करना ही होता है कि पूरे कंप्लीट के कारण कितना माइनस उस जो हटा दिया गया है उसके कारण कितना। समझ आ रहा है लोग? तो उसी तरह की बातें हैं यहाँ जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन से बच रहे हैं, बच भी गए लेकिन ये अगर लगाएंगे तो इससे भी आएगा। तो कितना आया आप लोगों का, कितना आंसर होता है? 4 pi 3 pi r1 square plus r2 square plus r1 plus r2 divided by r1 plus r2। इमेजिन करो कि आपकी जगह मैं हूं, एग्जाम में बैठा हूं, इसी तरह मैं था भी वैसे जैसे मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं। और क्रॉस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एट लीस्ट। सो ये मत करना कि सर क्रॉस चेक करते हैं वैसे ही कुछ बता दीजिए ताकि माइकिंग खुल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उससे पहले वही करना होगा जो अभी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रॉस चेक केवल वही कर ही सकता है जो सबसे ज्यादा पढ़ा हो, समझा हो, इमेजिनेशन उसका अच्छा हुआ हो, ट्रेनिंग हुई हो, वही क्रॉस चेक कर सकता है। क्रॉस चेक कोई कर नहीं सकता। हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सबसे हाईएस्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग वाला ही क्रॉस चेक का मतलब है नहीं। सो हमको करना होता तो मैं ऐसे करता, मैं कह देता कि R1 R2 यदि बराबर हो जाए, R1 बराबर R2 बराबर R, तो एक R रेडियस का रिंग बन जाएगा और उसमें कहां पे आना चाहिए 2R/π पे ना। यदि मैं R1 को भी R2 कर दूं तो यहां पे चला जाएगा ये, बोलो R1 बराबर R2। तो चेक करके देखें, R1 को R2 रख लो, R1 की जगह R2 तो देखो वही आ रहा है क्या? यस सर। और मान लो ये रखे तो 2 कैंसिल हुआ, पर 2 का मान लो वही आ रहा है, तब क्या करोगे बताओ? R1 को 0 रख लेना, तो R1 को 0 रखोगे तो ये कंप्लीट डिस्क हो जाएगा और R/3 आ रहा है। R1 को यदि 0 रख दोगे तो ये कम होते होते R1 0 मतलब यहां पे कंप्लीट डिस्क हो जाएगा। और कंप्लीट डिस्क का भी मालूम है 4R/3π, तो R1 को 0 रखने पे वाला आंसर आना चाहिए। तो R1 को 0 रखते हैं, यहां पे 0, यहां पर 0 और यहां पर 0, तो कितना आएगा 4R/3π। क्योंकि R2 अच्छा है निकल अकेले बता दे सर 4R/3π नहीं आ रहा, 4R/2π आ रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये समझ में आया आप लोगों? तो अब ये हम लोग जानने के बाद जल्दी से आप हॉलो स्फीयर का करिए जो सबसे टफ करीब जल्दी। अच्छा आपको पता है हॉलो स्फीयर का जितना टफ
है सॉलिड हॉलो हेमिस्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर का जितना ही टफ है उतना ही सॉलिड हेमिस्फीयर का आसान है। जानते हो क्यों? क्योंकि क्योंकि सॉलिड हेमिस्फीयर में वही नहीं यूज करोगे जो निकाल चुके होंगे। तो जल्दी से करिए। और मेंशन ना हो तो हम लोग थिन मानेंगे, मेंशन ना हो तो हम लोग थिन मानेंगे। बीच में होता है मतलब आर बाई टू पर होता है, लेकिन अब प्रूव करना है क्वेश्चन क्या। अच्छा इसमें वेरिएशन नहीं होता, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो ज्यादा मतलब नहीं है, वैसे इसका याद रखना जरूरी है। पर वेरिएशन किस में ज्यादा होता है पता है? सॉलिड हेमिस्फीयर जिसमें रो वेरी करा देंगे, इसमें क्या, इसमें कहा वेरी करा दोगे, इसमें रो रो टाइप का है नहीं। तो सॉलिड हेमिस्फीयर के क्वेश्चन हजार तो बनते हैं, इसमें नहीं बनते, इसलिए इसको नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, बल्कि इसका सीधा यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो आईटी भूल जाता हूं, तो इसलिए हाँ तुम लोग नहीं बोलते हो क्या? तुम लोग दिमाग में ये चलता रहता होगा कि किसी की बोले जल्दी किसी का हो गया? कितने लोग आपको अरेज हो रहा है? ए पहले से नहीं किया था, अभी किया ना। स्पीड पे भी काम करना होगा, जल्दी लिख के और मानना कि ये सही है बराबर वाला रिजल्ट। कई बच्चे ऐसे करते हैं, क्यों नहीं करना? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप जब करेंगे तो आपका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, आसान नहीं है ये। हाँ अगला वाला सॉलिड है, इस पर आसान है, वो आसान है, ये आसान नहीं।
इसमें कई जगह आपको हर्डल मिल जाएगा। चलिए मैं बताऊं टाइम इज ओवर, कितने दिन में आपको कर लेना चाहिए था या जहां तक पहुंचे। ठीक है, देखो तो हम कैसे सोच सकते थे इसको। एक तो फिर से वही MIT हार्वर्ड टाइप का हायर एजुकेशन दिख में कहूं तो फिर से वही एक छोटा सा जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले सकते हैं, छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट XY कोऑर्डिनेट XYZ कोऑर्डिनेट Y, J, 3D है ये, 2D नहीं है, गेट्स वाई लेंस काम कर जाएगा। तो जनरल वो बड़ा खतरनाक हो गया, 3 इंटीग्रेशन आ जाएगा उसमें, जो अभी कोर्स में है नहीं, लेकिन बस मैं ऐसे बता देना होता कि आप साइंस में रहें आगे भी, है ना। कई बार तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि यदि आपको IC बैंगलोर का यदि मौका मिलता है, जो बहुत कम लोगों को मौका देते हैं, जो IT क्वालिफाई कर देते हैं उनको भी सारे गुणी देते हैं, बहुत खतरनाक क्राइटेरिया होता है, तो आपको वहां जाना चाहिए। लेकिन कई लोगों के दिमाग होता है कि बड़ा पैकेज IIT इस टाइप का, तो फिर नहीं जाते हैं वो सब। तो आप लोगों को इस फील्ड में कैरियर करना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए, अब्रॉड जाओ, यहाँ पे रिसर्च करते हो, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे रिसर्च में ज्यादा कोई मतलब नहीं है, है ना। तो अब्रॉड के लिए आप जा सकते हैं GRE के थ्रू, MS करने। यहाँ पे तो रिसर्च के नाम पे इंटरनेशनल जर्नल्स में बहुत तेजी से इस समय डाउन हुआ प्रेजेंटेशन इंडिया की तरफ से। पेटेंट करवाने वाला इस समय पिछले 2-4 सालों में हाईएस्ट लेवल पे चाइना है, USA से कहीं ज्यादा चाइना है, हालांकि सेकेंड पे USA है, UK है, सब अपना है सेकेंड थर्ड पे। हमको लगता है कि कहीं ऐसा ना कि इंडिया भूटान से पीछे हो, ये भी हो सकता है। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो अप्रोच है रिसर्च का पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे रिसर्च में ज्यादा जाए, पैसा कम कमाए। कहते सर आप तो कमा लिए हैं इसीलिए पास कर रहे हैं। तो जो कमाया वो सब लगाने वाला हूँ इसी में, लैब में, और फिजिक्स का लैब बहुत बड़ा माने जा रहा है, और मैं चाहूंगा कि मैं स्कूल के बच्चों को ले जाके दिखाऊं, क्योंकि मैं अक्सर ये बोलता ही हूँ कि पढ़ाता हूँ। अच्छा कई तो रियली मैं अप्रिशिएट करके तारीफ करते हैं, कई तो उसी फ्लो में पढ़ा है। सो यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि DYD 3D है ना, तो 3 इंटीग्रेशन लग जाएगा कोर्स में, है नहीं यार, फिर मैथ्स तक में 2 इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक ही जो रहता होगा इसमें, तो उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन ये है कि जो जिस ऐसे ऐसे का आप गेम चल सकते हैं ऐसे, लेकिन वो भी कठिन होगा। सबसे अच्छा तरीका है रिंग लेके चलेगा, यहां से एक यहां रिंग ले, ऐसे से काट दे तो सब रिंग मिलेगा, इमेजिन कर पा रहे हैं। और सॉलिड रहता तो डिस्क मिलता, सॉलिड रहता तो अब लोग प्याज काटे हैं, प्याज काटते तो डिस्क मिलता है, और वही हॉल रहेगा तो रिंग मिलेगा। तो वैसे काटते हैं मतलब जिसकी बात कर रहा हूँ वाला इमेजिन करो, अब जबरदस्ती उसको काट देते हैं तुम लोग कई। अच्छा कितने लोग रियली में प्याज काटे हैं मम्मी की हेल्प किए हैं, लड़कियां नहीं हाथ उठा लिया। अच्छा सर हाथ उठाते ऐसे, सर मम्मी की हेल्प करने के लिए जबरदस्ती कटवाया था मम्मी ने। लड़कियां ना ऐसे हाथ उठाते ऐसे रिंग लेते हैं छोटा छोटा रिंग, और क्योंकि कर
क्योंकि कर्व है तो जो पोजीशन है वो थीटा पे डिफ्ट लेना होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक और तरीका है जिसको करने पे रिजल्ट नहीं आता है, उसमें आपको गलती बताना है, चाहे घर पे तो पता करिएगा। यदि हम ऐसे ले लें, वाई दूरी पर एक रिंग ले लें, ऐसे कितनी दूरी पे वाई हाइट पे ले लें, और कितने थिकनेस का डी वाई थिकनेस। जब आप ऐसे करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ तो वही नहीं, तो उसमें कुछ गलती है जिसको सही कर लिए होगे। नहीं नहीं वही बोल रहा हूँ, तो गलती नहीं किए होगे, ये बोल रहा हूँ। लेकिन जनरली गलती हो जाता है तो मैं देखूंगा कि गलती की है नहीं वैसे। तो ये वाला वाई वाला थोड़ा थोड़ा टफ हो जाएगा, रीजन भी आप लोग सोच के आएगा, मैं बता दूंगा। अच्छा है, आज ही लास्ट में बता दूंगा, फिलहाल मैं ये लेता हूँ, सभी लोग देखें, ये लेता हूँ। थीटा एंगल पे मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूं, नहीं बनाना चाहिए था ऐसे, डी थीटा और रिंग ले लिया हूं। ये समझ में आ रहा आप लोगों को? पीछे भी होगा ऐसे। कितने हाइट पर? अच्छा ये रेडियस भी आ रही है, तो इसका इस रिंग का सेंट्रल मास तो इधर का सेमी सर्कुलर रिंग तो है, तो कंप्लीट है, तो सेंटर पे होगा। तो बताइए ये रेडियस आर है, और ये दोनों लाइन मानना नहीं, एक लाइन मानना है क्योंकि छोटा बहुत होता है ये। तो बताओ ये आर है, तो बताओ कितने हाइट पर रिंग का सेंट्रल मास है? आर क्रॉस थीटा, देखो आर क्रॉस थीटा यहां पे, ठीक है। कितने रिंग मिलेंगे आपको? कितने रिंग मिलेंगे? और सबका सबको उसी तरह से जोड़ेंगे, ऊपर में मास इनटू अपना सेंट्रल मास के प्रोडक्ट का सम या इंटीग्रेशन या एडिशन, और नीचे टोटल मास, ये होगा। तो देखते हैं, YCM इज व्हाट DM रिंग, YCM रिंग डिवाइडेड बाय DM रिंग। अच्छा DM रिंग सम कर रहे हुए तो ये जो मास है या सिग्मा के टर्म होता, तो ये मास है नहीं होता, सिग्मा होता, क्या लिखूं यहां पर बताओ? टोटल मास बाय टोटल एरिया, ये 4πr² होता है एरिया, 4πr² कितना है? हमें लिखना है एरिया 2πr², सही है। अच्छा वैसे तो dt लेके तो हम रो भी लिख सकते थे, कहते कि t थिकनेस है, तो जल्दी से बताओ इसका वॉल्यूम कितना है? 2πr² एरिया इनटू थिकनेस। यदि टी थिकनेस है, स्मॉल थिकनेस, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म है तो जिसको, अच्छा ये भी सुनो ना ध्यान से, कई बार कोई सॉलिड सिलेंडर है तो हम लोग मास पर यूनिट लेंथ भी ले सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये पूरा, जैसे सिलेंडर ऐसे है ना, ये तो सॉलिड सिलेंडर है, ये तो है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम टाइप का रो। लेकिन मैं कहता हूं कि लेंथ के अलोंग कितना मास ऐड हो रहा है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ, दिस मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड क्यूब। हाँ मास पर यूनिट लेंथ बाय मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्फीयर नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत होता है, पर वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं भाई? इसमें तो सेम ऐड होता रहता है, तो मास पर यूनिट लेंथ का सेंस थोड़ा सेंस बन रहा है, क्यूबॉइड होता तो भी सेंस बनता है ना, लेकिन है वॉल्यूम में, वैसे वॉल्यूम भी हो सकता है ना, तो पर स्फीयर वाला सही नहीं लगता है, हालांकि होता तो होता ही,
कि पर यूनिट पे कितना, लेकिन सब वेरिएबल ऐड हो रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे हैं? स्फीयर तो ऐसे होता है, पर यहां से चलोगे तो सेम थोड़ी ऐड हो रहा है कि तो ऐसे है ना, तो इसलिए वहां पे उतना मजदान ले रहा है। इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ पर वॉल्यूम ऐसी जगह पे भी ले सकते हैं जहां पे वॉल्यूम टाइप की चीजें होती है, तो इस तरह से आपको अपने को सोचना चाहिए। सो यहां पे फिलहाल देखिए सिग्मा लिया हूं, रो रो की भी बात कर सकता था, क्या करता यहां पे रो लिखता, मास बाय वॉल्यूम लिखता, और वॉल्यूम की जगह लिखता 2 पाई आर स्क्वायर इनटू टी, नॉट नॉट टी आर, टी दिया तो एलिमेंट ना लिया जाता है यार, चलाया जाता है इसको, कि चलाने वाला थोड़ी लिख रहा हूं मैं, थिकनेस किस कितनी है इसकी टी, तो डी डी की थोड़ी ऐसे डी आर थोड़ी लिखोगे, चलाने वाला एक जनरल थोड़ी लिख रहा हूं मैं, तो मास पॉइंट एरिया भी ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए फिर आगे बढ़ता हूं, तो यहां पे तक तो यहां पे तो ए भी लिख दो और काम हो जाएगा। चलिए आगे, ये रिंग का देखता हूं, ये यही वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है, जिसके कारण डीएम रिंग क्या लिखूं बताइए, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्टेड एरिया ना, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्टेड एरिया। चलिए देखिए मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्टेड एरिया, व्हाट इज दिस इंटरेस्टेड एरिया, ये देखो ऐसा नहीं है रिंग, देखो रिंग ऐसा नहीं है, रिंग ऐसे है, टेढ़ा है ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, मतलब रिंग ऐसे थिकनेस नहीं है, रिंग की थिकनेस ऐसे है, इसी की दिक्कत कर रहा था वाई पे लेने में, यदि आप सही नहीं लिखेंगे वाई वाला तो वाई वाले से वो भी एक तरीका है जिससे गलत आ जाएगा, यदि सही नहीं लिखेंगे तो, क्यों जानते हो, क्योंकि जब वाई पे डी वाई लोगे ना तो उस डी वाई को ऐसा टेढ़ा तोड़ना पड़ेगा जो ज्यादा होगा, नहीं समझ में, यदि मैं कहूं वाई पर ये डी वाई है तो यहां पे भी ये डी वाई है, पर लेना ये है ध्यान रखना, यदि आप ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे तो गलत आ जाएगा, पर आप लेगा तो ये तो अलग अलग आ गया, तो किए हुए ये किए हो ली हो ये वाला, इसको फिर ऐसे किए हो तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता है ना, एनीवे लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सीधा हम वही वाला निकाल देंगे, देखिए कैसे, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, बताओ ये थिकनेस कितनी है, ये आर डी थीटा है, कितना है आर डी थीटा है, तो ये अब तो थिकनेस तो वैसे ही है ना आर डी थीटा, और लंबाई कितनी है 2 पाई आर, तो देखो 2 पाई व्हाट इज आर, स्मॉल आर ना, तो ये कितना रेडियस इसका आर साइन थीटा, क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इनटू आर डी थीटा, इसको स्मॉल आर रेडियस, ये वाला रेडियस देखो, ये वाला रिंग का रेडियस, इसको खोलेंगे तो कितना लंबा होगा 2 पाई स्मॉल आर, दिस स्मॉल आर इज आर साइन थीटा, और हाइट है आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत, और ये वाला तो ये थिकनेस वाली प्रॉब्लम आएगी, तो वाई पे डी वाई मानना तो आसान है पर गलत होने की संभावना है, और थीटा पे डी थीटा थोड़ा मानना थोड़ा कठिन है पर लिखना थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो कठिन और आसान थोड़ा मिलकर रहता ही है सर, एनीवे सो क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बताओ डीएम रिंग कितना आया, एम एम साइन थीटा डी थीटा,
और कितनी हाइट पर है बताओ? आर साइन थीटा। हाँ आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा ना, वाई सी एम ना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन लिखते हैं, डिवाइडेड बाय एन टोटल मास टेन थाई। कहां से कहां तक इसको वेरी करा है? अच्छा इसे देखो, ऐसे एरो देखो, एरो देखो, एरो ऐसे लिख गए हैं जनरल, ऐसे लेते हुए ऐसे रिंग कैसे लिख देखो, ऐसे ऐसे। तो यहां से जब तो थीटा कितना वैल्यू ले रहा होगा जब ये वाला रिंग लिए होंगे जीरो, और जब ये वाला लिए होंगे थीटा कितना वैल्यू लिया होगा तो जीरो टू फाइव बाई टू। समझना ना करिए, देखिए कितना इसमें हम लोग ऐसे ही रिंग लिए होंगे, पहले ऐसे रहा हुआ, शुरू में ऐसे रहा हुआ, फिर ऐसे रहा हुआ, फिर ऐसे रहा हुआ रिंग, फिर ऐसे रहा हुआ। लास्ट में ऐसे रिंग है, बहुत सारे रिंग मिले होंगे आपको। y वाला ना, उसमें क्या 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 दिक्कत आ रही है समझ में आ रहा है मेरी बात? yes, जब y पे आप थिकनेस dy लेंगे तो आप तो y के अराउंड ही डिवाइड लोगे ना। yes, sir. लेकिन जब सरफेस पे जाओगे रिंग देखने के लिए तो वो थिकनेस dy नहीं होगा, जबकि लेना रिंग का थिकनेस है और dy नहीं होगा, dy से ज्यादा होगा। dy by sin थीटा होगा या dy by cos थीटा होगा, बड़ा बड़ा नाटक होगा उसमें, लेकिन यदि सही लिखेंगे तो सही है ये। अब सभी लोग जल्दी से सॉलिड स्फीयर एक लाइन में फटाक से आएगा, क्योंकि इसका तो कर लिए ना हम लोग। सभी लोग सॉलिड स्फीयर का निकाल लेंगे एक लाइन में जल्दी, सॉलिड हेमिस्फीयर। सभी लोग जल्दी से सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालो, और इसलिए मैं दिया हूं ताकि मैं उसमें वेरिएशन दे सकूं ना, इसलिए। बाकी तो रिजल्ट तो आपको पता ही, लिखवाई किया जल्दी। इसमें थोड़ा कम वैसे, इसमें वेरिएशन पॉसिबल था कि नहीं था? इसमें भी सिग्मा दे सकता था थीटा के साथ रिंग में से, सिग्मा वेरिएबल है ऐसे इस साइड का, दे सकता था इसमें भी, लेकिन क्योंकि थोड़ा कम पॉपुलर है तो नहीं दिया है ना। हाँ उसमें पॉपुलर है सॉलिड वाले में। सॉलिड हेमिस्फीयर रिजल्ट आपको मालूम है कि 3/8 होगा सेंटर से, लेकिन उसको करना है ताकि मैं आपको थोड़ा सा वेरिएशन भी दे सकूं, एक नया भी आप निकाल दें। कितने तरीके करने हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं? चार तरीके से, चार पांच तरीका हो सकता है। एक तो वो वाला MIT हार्वर्ड वाला, हर मतलब हायर एजुकेशन वाला, हायर एजुकेशन यहाँ पे बात नहीं करता ना मैं, हमेशा हायर एजुकेशन का ही बात करता हूँ।
है मैगी हार्वर्ड कोलंबिया प्रिंसटन कैलटेक कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड ना सुना तो एक आध दो सुना अच्छा उसे ये पता इंडिया में नहीं है एक तो सुनो आगे आप लोग ये तो आसान था ये वक्त का चाहिए था ये आसान था क्यों आसान था क्योंकि इसका कठिन वाला पार्ट जो दो इंटीग्रेशन में आना था वो हमें कर चुके हैं यदि हम वो नहीं किए होते तो फिर कठिन था अच्छा यदि हम वो नहीं किए होते तो आसान कैसे बनाते डिस्क काट के एक इंटीग्रेशन बनाते कैसे मालूम है कैसे यदि हम लोग ऐसे काटते ना ये क्या बनता डिस्क और हर एक डिस्क का अपना सेंट्रल मास इसी वाई पर होता इमेजिन कर पा रहे हैं yes, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है तो यदि सॉलिड हेमिस्फीयर है तो ये तो 3D है तो मैं ले सकता हूं जनरल एलिमेंट एक मैं ले सकता हूं जनरल एलिमेंट ऐसे अच्छा जिसको जन बता आज मैं फोटो इसको बना देता हूं इसका पोजीशन है एक्स वाई जेड और थिकनेस है डी एक्स डी वाई डी जेड समझ में आ रहा क्या और इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं 3:2 इसी को मैं एमआईटी हार्वर्ड ऐसे बोल रहा था तो ये तीन इंटीग्रेशन अब कठिन होने लगा जनरल एलिमेंट दिया हूं लेकिन मैं इसको करने नहीं जा रहा क्योंकि आप आगे लेकिन एक सोच डेवलप कर दिया कि हम लोग मैथमेटिकली चीजें लिख सकते हैं और कर सकते हैं और इसी लेवल में कर सकते हैं पर जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन है जिससे हम कर सकते हैं तो ऊपर ऐसे ऐसे हो सकता है जनरल एलिमेंट उसका अपना पोजिशन वेक्टर एक्स वाई जेड और करके निकाल लेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन जब करोगे तो मालूम क्या आएगा अलग अलग आई जे के लिखोगे तो जो जेड सी एम आएगा ना वो जीरो आ जाएगा जो एक्स सी एम आएगा वो जीरो आ जाएगा और वाई सी एम की वैल्यू आ जाएगी 3R/A लेकिन ये थोड़ा डरावना टाइप का एक्सप्रेशन लग रहा है मैं तो कहता हूँ कि जो एलिमेंट नहीं है वही डरावना लग रहा है देखिए ना कई लोग यदि दिखा दीजिए किसी को तो हाँ कोमा में यह कहेगा कि अच्छा हुआ साइंस ने लिए बोले आपको दिखा दे क्या ये तो इसको हटा देता हूं और उसकी बात करता हूं मैं हाँ मैं उसकी बात करता हूं जो जो बात हो रही थी अभी तो हम लोग के पास सुनो ध्यान से डिस्क लेके कर सकते हैं ऐसे काट काट के और जब डिस्क लेके करेंगे तो हम लोग एक इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा लेकिन यदि हॉलो स्फीयर के ऊपर हॉलो स्फीयर के ऊपर मतलब गोबरी करना जानते हो जैसे मान लीजिए कोई ऊपर गोबर लीप रहे हैं आप एक बार लीपे तो डीआर बना दिए होंगे फिर एक बार और लीप दिए तो कितने बार लीप रहे हैं आप अपर अपर के बार उनकी पूरा गोबरी गोबर हो गया तो इसलिए मैं इस तरह कि आपको सेंस समझना चाहिए कि अगर लीप देते हैं तो डीआर बढ़ जाता है वही लगा हो रहा तो यदि वो वाला जनरल ले ले तो आसानी से आ जाएगा क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जानते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन से निकाल चुके हैं समझे नहीं तो हम लोग ऐसे काट काट के निकाल सकते थे कि नहीं पर कठिन होगा ऐसे काट काट के निकाल सकते हैं कि नहीं थोड़ा आसान होगा लेकिन हॉल स्फीयर वाले लेंगे तो सबसे आसान है तो लेता हूं हॉल स्फीयर
बाहर सारे क्या है देखो ये देखो ये है स्मॉल आर रेडियस का डीआर थिकनेस का होल स्क्वायर है। बात हो रही है मास एम और डेंसिटी रो की। रो की जगह क्या लिखो बताओ, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 pi r³ का आधा। बोलो 4/3 pi r³ का आधा कितना? 2/3 pi r³। सही है? ये रो है। यदि हम कहते हैं डीएम होल स्क्वायर, डीएम होल स्क्वायर लिखते, पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, सिमेट्रिकली दिख रहा है कि वाई सीएम मतलब वाई ही आएगा। सो डीएम होल स्क्वायर वाई सीएम होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े रिजिड बॉडीज के प्रोडक्ट ही होते हैं। जब बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं पॉइंट मास नहीं होता तो उसका अपना सेंट्रल मास होता है और ऊपर उसी का प्रोडक्ट का सम नीचे टोटल मास। इज व्हाट डीएम होल स्क्वायर। फिलहाल तो नीचे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, एम ले सकते हैं, लेकिन यदि मैं रो बदल दूंगा तो नीचे वाला खुद ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मास मास ऑफ दिस सॉलिड केमिस्ट्री, और नीचे वाला भी करना पड़ेगा आपको, पेन से काम नहीं चलेगा क्योंकि एम दिया नहीं होगा। तो सभी लोग चलो एक मिनट और टाइम ले लो क्योंकि इसको यूज करो जल्दी से, देखो 3/8 आता है कि नहीं। फिर एक बच्चे के पास 3/8 होता था, कितना 3/8 आ गया, 20-25 बच्चों का आ गया। बाकी लोग भी कर लो थोड़ा ट्राई, एक मिनट टाइम ले रहा हूं क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो मेरे बता देने से आपकी कॉपी में उतार लेने से नोट बना लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी करो, चलो ये तो टाइम इज ओवर। ये देखो, ये देखो तो डीएम होल स्क्वायर लिख रहा हूं, होल स्क्वायर जो मैं लिया हूं जनरल होल स्क्वायर मिला मिला के ये पूरा सॉलिड स्फीयर बना है। तो डीएम होल स्क्वायर क्या लिखूं? मास पर यूनिट वॉल्यूम 2/3 pi r³ इंटू इंटरेस्टेड वॉल्यूम। बताओ इसका एरिया कितना है? इस हॉल स्क्वायर का एरिया बताओ 2 pi r² और थिकनेस बताओ। तो एरिया इंटू थिकनेस तो वॉल्यूम देगा ना। दिस इज इंटरेस्टेड वॉल्यूम 2 pi r² dr। यही मैं क्या लिखा हूं बताओ?
ये है डीएम होगा इसलिए लिखा। अभी क्या बाकी है वाईसी है, बताओ हम लोग निकाले हैं कि नहीं इसका कितना निकाले। लेकिन कैपिटल आप जल्दी में मत लिख देना, उसका अपना ना हॉलो स्क्वायर जो लिए उसका ना नीचे नीचे अभी रेडियस कहां से कहां ले यदि हम लोग यहां से शुरू करें। देखो एरो यहां तक पहुंचे जनरल, जनरल किसे कहते हैं शुरू से पॉइंट से उसके ऊपर ऐसे करते हुए यहां तक गए हैं और उस पे एक और लेयर चढ़ाए हैं, दिस जनरल। तो शुरुआत कहां से हुई होगी जीरो रेडियस से और कहां तक पहुंच गए होंगे। अरे यार जो गोबरी वाला उतारा था गोबरी करना लिखना, तो जब लिखना शुरू कितने रेडियस से किए होंगे जीरो से, और उसके बाद एक बार लीपे हो गए, दोबारा लीपे हो गए, तिबारा लीपे हो गए। तो जब लीप रहे होगे तो क्या बढ़ा रहे होगे, थोड़ा थोड़ा थिकनेस बढ़ा रहे होगे ऊपर में और रेडियस तो बढ़ता चला जा रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जल्दी से इसको करो तो देखो कितना था, नाला है 3 आर बाय ए, तो ये आएगा 3 आर बाय ए। लेकिन इमेजिन करो कि हम मास नहीं रो की वैल्यू दिए हैं, मास नहीं रो की वैल्यू दिए हैं और वो भी वैरिएबल दिए हैं। यदि यूनिफॉर्म दिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो हम क्या कर रहे होते, आंसर इतना ही होता है यूनिफॉर्म होता तो। पर मैं चाहता हूं कि इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हम वेरिएबल वाली बात करने वाले हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं और कहते हैं कि डीएम है मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम, उसका सेंटर ऑफ मास और नीचे अगेन यही वाला 2 पाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम वेयर टू वेयर जीरो टू वेयर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये वाला एक्सप्रेशन लिख दो, ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें रेडियल वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी इनफाइनाइट तरीके से दी जा सकती है, ये वो एक्सप्रेशन है, पिछला वाला यूनिफॉर्म वाला नहीं। और ये भी ध्यान रखना रट मत लेना कि 3R / A कहीं पढ़ाए ना सर, 3R / A कहे थे याद कर लो, बोला कि डेंसिटी वेरिएबल दिया हुआ है और एक ऑप्शन भी दिया था 3R / A, ये बड़ा दिक्कत था। देखो वही मान गया था सर, इतना आसान था जो पढ़ा था वही आ गया, देखते ही मार दिए, पढ़े भी नहीं क्वेश्चन ना, तो देखते ही पटे बना तो मार दिए, हाँ मार दिए तो गलत है वो, ये नहीं करता है मेमोरी बेस्ड नहीं। एक बार यदि आपको लग भी रहा है पढ़ा हुआ है तो भी एक बार देखिए पढ़िए उसको, थोड़ा टाइम दीजिए, हो सकता है कि थोड़ा चेंज हो उसमें। एनीवे सो एक्सप्रेशन वो है जहां पे रो मैं कुछ भी दे सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि रो बहुत सारा लिख देता हूं और आप लोग वाला एक चूज में से कर दीजिए। हाँ यदि मैं आपको कहता कि रो ये रो नॉट आर बाय आर, यदि मैं कहता कि रो ये रो नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यदि मैं कहता रो है रो नॉट आर बाई आर वन माइनस आर बाई आर है, बहुत खतरनाक वेरिएशन। या फिर मैं कहता कि रो बराबर रो नॉट ई टू दी पावर आर बाई आर, तो मैं बहुत सारे अंडर रूट में दे सकता था, बहुत सारा वेरिएशन दे सकता था मैं, बल्कि नीचे नीचे दे देता, नीचे दे देता, इतना एन मास्टर नहीं रहता।
मास जाता है। अच्छा तुम लोग ये सुनिए, अगर तीसरा सही है सर पहले मतलब चार को ऑप्शन दिया हूँ, बताना इनसे कौन सा सही है। फिर जो तरीका है ना हॉई स्फीयर लेने वाला रेडियल वेरिएशन के, अच्छा हाँ जब रेडियल वेरिएशन देंगे ना तो तब तो हॉई स्फीयर वाला और डिस्क वाला ठीक नहीं होगा। मेरा समझ आ रही है, यदि मैं रेडियल वेरिएशन दे दूं सेंटर से तो जो डिस्क वाला सोचे थे वो तो तभी के लिए ठीक था, वो जो चार पांच तरीका बता दिए ऐसे ऐसे काट देंगे ऐसे ऐसे काट देंगे ऐसे ऐसे काट देंगे, जो क्यूबिक ले लेंगे ऐसे क्यूब वायर ले लेंगे डीएसडी वाई डीजे जैसे, तो सब किसके उसी के लिए ना सही था यार। हाँ इसके लिए अब दिक्कत होगा रेडियल वेरिएशन के लिए, रेडियल वेरिएशन के लिए तो यही लग रहा है, बाकी सब दोस्तों दिक्कत करेगा लग रहा है। तो जल्दी से आप लोग ये पहला बात कर दिए सब लोग, अच्छा तुम लोग सुनते नहीं है क्या जो मैं बोलता रहता हूँ, तुम लोग सोचते हो कि जैसे ही कहेंगे पहला वाला, अब मैं पहला वाला दूंगा नहीं ये लगूंगा ये लगूंगा, अब मैं समझ गया तुम लोग बोलता रहता हूँ, सुनते नहीं सोचते कि सबसे पहले हम आंसर बताएंगे यही वाला पूछेंगे वो। तो बाकी लोग कितने बार का पहला वाला काफी सब ढेर लोग कर रहे थे अच्छा ये कठिन क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, कठिन क्वेश्चन पूछता हूँ देखता हूँ क्या लोग बता पाते हैं। यदि मैं कहूँ कि अंदर ठीक हॉलो हेमिस्फीयर है, इनर रेडियस आर वन आउटर रेडियस आर टू, तो बताना है कि आर वन आर टू में क्या रिलेशन होना चाहिए कि इनर वाले पे ही सेंटर मास है इनर सरफेस पे। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ये है कि ठीक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक मतलब समझ रहे ठीक हेमिस्फीयर है, इनर रेडियस उसका आर वन होगा आउटर रेडियस आर टू होगा, बीच में भरा होगा मैटर, बताना है कि आर वन आर टू में क्या रिलेशन हो ताकि सेंट्रल मास इनर सरफेस पर हो। मेरे पास आर वन पे हो सकता है, अब ये आसान नहीं काम करना पड़ेगा फिर। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करोगे, जैसे इंटीग्रेट किए थे वैसे ही आर वन टू आर टू इंटीग्रेट करोगे और सेंट्रल मास की वैल्यू आर वन लिखोगे, इसके अलावा कर भी कर सकते हो कि सिंपल सही कि इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम आर वन टू आर टू और वैल्यू क्या लिख दोगे आर वन और उसको तुम सॉल्व करोगे जो आएगा वो आंसर होगा। तो अच्छा जो मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन बता रहा था बहुत सारा इस तरह का, कि देखता हूँ कितने लोग ये होम असाइनमेंट टाइप का ले लो, देखता हूँ कि कितने लोग इसको सोच पाते हैं ना। ये देखो तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसको लेंथ एल है और
इसको मान के इसका टाइम पीरियड जो भी है उसके बाद पूछते हैं कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा से। फिर इसमें पानी है, इसमें होल करती है, धीरे धीरे पानी निकल के पूरा निकल है। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड, पूरा पानी लबालब भरा हुआ है पूरा, और पानी इसमें से पानी निकल रहा है। आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यदि माप दिए हैं तो चाहे दूसरा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इसका क्या होगा। यदि पानी चलिए पर सेंटर ऑफ मास है, इसको हम मानना छोड़ते हैं, वो बाद में बात करेंगे। ऐसे ही है सेंटर ऑफ मास अभी बीच में है, फिर पानी निकलने लगेगा तो पानी निकलता रहेगा पूरा निकल जाएगा। तो ऑप्शन दे रहा हूं, सेंट्रल मास विल गो डाउन ऑलवेज, दूसरा ऑप्शन है विल गो अप ऑलवेज, तीसरा ऑप्शन है रिमेन एट द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और चौथा है विल गो अप देन डाउन, और पांचवा है विल गो डाउन देन अप। आधे के बाद फिर से ऊपर जाने लगेगा, आधे पे ही हो गए आधे। जब ये अभी फिलहाल अच्छा दो ये भी है कि जो स्फीयर है वो मासलेस नहीं है, यदि स्फीयर मासलेस होता तो ऑलवेज गो डाउन, लेकिन स्फीयर का अपना मास है और वाटर का भी अपना मास है, तो स्फीयर का अपना सेंटर अपना सेंटर पे है और वाटर का भी सेंटर ऑफ मास फिलहाल सेंटर पे है, तो दोनों का मिला के सेंटर पे है। ठीक है, जब पानी खत्म होने लगेगा नीचे जाने लगेगा तो सेंटर ऑफ मास स्फीयर का तो सेंटर पे होगा तो पानी का थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो मिला के थोड़ा नीचे हो जाएगा सेंटर से। क्लियर, लेकिन ये नीचे जाता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आधे पे नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि ये फिर से ऊपर चढ़ने लगेगा, क्योंकि क्योंकि जब पूरा पानी निकल जाएगा तब भी तो सेंटर मास सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या देखें, शुरू में सेंटर एंड देन फाइनली सेंटर, तो अब विसरी क्या हुआ होगा, नीचे तो जा ही रहता बाद में, तो जरूर ये पहले किधर गया होगा, फिर किधर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चेंज होना था, अचानक सडन चेंज तो होना नहीं था। पर आपको बता दूं कितने रेडियस पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने रेडियस वाले सरफेस बना रहेगा, अचानक कितने पोजीशन पर ऊपर जाने लगेगा, चाहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, शायद कहीं ना मिले, बस बात यही होगी कि इसको मान लेंगे तो। अच्छा हाँ, ये टाइम पीरियड वाले तो बात हो गया, टाइम पीरियड मान लिए तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव पाई जी, एल इफेक्टिव इज दिस मच एल एंड समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा तो बताओ इफेक्टिव लेंथ बढ़ने लगेगा जब पानी निकलने लगेगा और फिर घटेगा, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, एल इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर घटेगा फिर उतना ही हो जाएगा, यदि हम लोग इसको सिंपल पेंडुलम की तरह माने तो। अच्छा, ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास रियली में बहुत कठिन है, लेकिन हमको लगता है कि ये वाला आसान है, जो कि मैं तो नहीं देखा लेकिन अभी ताजा ताजा बना रहा हूं, आप लोग कर बताइएगा। एक क्यूब है, सभी लोग इसको इसको बताएंगे,
एक क्यूब है और इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और यहां पे होल कर दिए, यहां पे होल कर दिए, इसमें से पानी निकलने लगा। ठीक है, अब तो शुरू शुरू में सेंटर ऑफ मास तो साइलेंट है, साइलेंट ए है इसका क्यूब का, और पानी यहां से निकलने लगा पिन होल की। ये बताओ ये, अच्छा ये बताया जा सकता है, जानते हो क्यों? अच्छा ये भी बता दो कि वाटर का एम वाटर इज इक्वल टू एम एम क्यूब इज इक्वल टू एम, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, आयरन का बना हो, मोटा सा हो, ऐसे थिकनेस कम ही हो सकता है, या फिर ये कर देते हैं कि भाई वाटर का 4m है और उसका m है, ऐसे भी दे सकता था। मैं थोड़ा आसान बना दे दोनों का m देके। आपको बताना है कि जब पानी निकलता रहेगा तो अभी फिलहाल शुरू में तो सेंटर मास सेंटर पे है ना, है? और पानी निकलने रहेगा तो सेंटर मास नीचे जाएगा, लेकिन हमेशा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जब पानी खत्म हो जाएगा फिर सेंटर पे चला जाएगा। बोलो इसका मतलब बात हो सकती है कि नहीं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था सेंटर मास कितना लोएस्ट तक गया था? सब क्वेश्चन कर जल्दी से, बाकी वैल्यू तो दे ही दिया हूं। As shown in figure, as shown in figure, if water starts coming out if water starts coming out from Q, from pinhole at the bottom of Q, from pinhole at the bottom of U, then find maximum displacement of center of mass. Then find maximum displacement of center of mass. Then find maximum displacement of center of mass. क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? ये भी स्पीड पे भी बात हो सकती थी ना, स्पीड पे ऐसे बात होती कि मैं इसको दे देता कहता कि कांस्टेंट रेट से निकल रहा है तो सेंटर ऑफ मास का चलने का मैक्सिमम स्पीड कब होगा, ये अलग बात हो जाएगी। तो बड़ा बहुत अलग लगता है कि क्वेश्चन हो सकते हैं, ये अलग है, आप ट्राई करके आइएगा। मैं आप लोगों को जीआईएफ वाला दिखा देता हूं, अच्छा जो मैं पढ़ाया था वही सब लिखा हुआ क्या है? आर बाय टू थ्री आर बाय एट, ये वाला आप लोगों को करना है ना घर पे, ये लोग कर लोगे? इधर से करना आसान रहेगा, ऊपर से इधर से करोगे थोड़ा दिक्कत होगा, तो आसान भी सोचना चाहिए।
लेकिन नीचे से पूछा है तो भी किधर से निकालो ऊपर से, तो कई बार हम लोग ऐसे सोचना चाहिए और फिर नीचे से बता देना। तो ये वाला हॉलो सर्कुलर कोन h by 3 h by 4 ना, ये हॉलो वाला h by 3 क्या होता है, सॉलिड वाला h by 4 होता है वर्टेक्स से। आप लोग नोट कर सकते हैं जो आप लोगों के पास नहीं होगा, ये वैल्यू शेप एरिया सेंटर ऑफ मास। अगर मन करता है तो ये वाला नोट कर सकते हैं, पिछला तो बता ही दिया था हॉलो कोन वाला, बता दिया सॉलिड कोन वाला, तो बता ही दिया था हॉलो कोन वाला, लिख सकते हैं आप। सब प्लेट है, अब एरिया की बात करें तो प्लेट की तरह तो होगा ही सब। और इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है कि नहीं, जीरो कर दो है ना, एक को जीरो रख के इस बात की आना चाहिए, तो इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये वाला बताया था हमें क्यों, ये वाला किला तो हमें पढ़े फोर आर बाई थ्री पाई है, एक्स वाला फोर आर बाई थ्री पाई, वाई वाला फोर आर बाई थ्री पाई। सो वाई वाला लिखा गया है जबकि आंसर एक्स वाला भी बता सकते हैं। एक्स वाला वैल्यू बताओ फोर आर बाई थ्री पाई, दूरी बताओ इसका सही से अंडर रूट टू टाइम्स, अच्छा ये रिंग नहीं क्वार्टर पार्ट ऑफ डिस्क है, एरिया वरिया की बात बोली है ना, अगर रिंग होती तो टू आर बाय फाइव हो जाता, टू आर बाय फाइव। तो क्या लिख दिए, स्पीड कम है क्या यार, स्पीड कम, कम से कम स्पीड 400 वर्ड्स पर सेकेंड, अरे पर मिनट, पर मिनट, इतना तेज लिखो पेपर फट जाए, कागज फाड़ स्पीड हो, पेपर फाड़ स्पीड हो। जल्दी लिखो जल्दी, हो गया टाइम ऑफ ओवर। ये वाला भाई 3D स्पेस वाला है, हमको लगता है कि ये वाला पार्ट आप लिख सकते हैं, ये वाला आपका मन करता है तो ये वाला थोड़ा सा डरावना है, लिख सकते हैं आधा को, आधा को, आधा को, हाँ सर ये ग्रुप पे मेंट करा दूँ, ये वाला सेल करा दूँगा, हाँ ये ग्रुप कहीं तक जाने से अच्छा, ये कोन वाला जो डिस्क लेना था कोन में वही वाला रिप्रेजेंटेशन है, ये देखो लेकिन एक तरफ ज्यादा मास है उधर तो आपको सेंटर मास पे ही हिट करना होगा, यदि कहीं और हिट कर देंगे तो दोनों मोशन हो जाएगा, रोटेशनल के साथ ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन के ही बात समझना है मेरी बात, तो ये कहां पे हिट किया गया है, सेंटर ऑफ मास पे, जिसके जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे इतने देर से कि उसका क्या यूज है, तो वो यूज दिखा रहा हूं। फिर ये देखो यहां से चल के यहां पे आना है इसको ना,
तो जो ये वाला पार्ट है या तीनों मान ले, शायद तीनों ही, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सेंटर मास बिल्कुल एग्जैक्टली थोड़ा सा इधर दिखा रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है, चाहे यही पे रहने के कारण यहाँ पे दिखा रहा है, मे भी दोनों सेंस हो सकता है। तो जब यहाँ से चल रहा था तो सेंटर मास कहीं पे था, और जब इधर चल रहा था तो शिफ्ट हो रहा था, पर दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी, दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। यदि ये वी से आ रहा होगा, ये वी से आ रहा होगा, तो ये वी बाई टू से आ रहा होगा, ये दो ही मास। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बाई एम वन प्लस एम टू ना, तो यहाँ पे एम एम दो तो ऐड हो जाएगा, एक तो रेस्ट में है, तो इसलिए मैं दिखा था कि सेंटर मास देखिए आउटसाइड है, और जब ये चल रहा था तो भी शिफ्ट हो रहा था। अच्छा, ये जो दिख रहा था ये सेंस है, डिफरेंशियल चीजें कैसे ऐड होती हैं, तो शिफ्टिंग कैसे होती है, जो इसमें डिफरेंशियल मास जो हम लोग लेते हैं, छोटे छोटे मास, छोटे छोटे रिंग, छोटे छोटे ब्लॉक्स लेकर ऐड होते हैं, तो किस तरह से सेंट्रल मास की शिफ्टिंग होती है, और किस तरीके से थोड़ी देर तक ये होल्ड करता है जब आप कम मास ऐड करते हैं तो, और ज्यादा मास ऐड हो चुका होता है तो। देखो यहाँ पे थोड़ा पहले तेज चला होगा, फिर थोड़ा होल्ड किया, दिख रहा है, फिर चला वो तेज। इस पे डिपेंड करता है कि आप एडिशन कैसे कर रहे हैं, और छोटा छोटा वैल्यू किस तरह से ऐड होता है उसकी वो दिखा रहा था, मैं दिखाना चाह रहा था ये मैं फिर से वही, यदि दो बॉडी मूव कर रही हो तो सेंट्रल मास कोई जरूरी नहीं कि एक बॉडी के मूवमेंट से देखकर डिसाइड कर देंगे, दोनों से ही डिसाइड होता है। और ये भी हो सकता है कि सेंट्रल मास क्या हो, ब्रेस्ट में हो। तो नेचर को यदि बहुत करीब से देखेंगे तो हर तरह का वेरिएशन ये है। लायन का इंस्टिंक्ट है, जैसे हम लोग का इंस्टिंक्ट है ह्यूमैनिटी का, कि भले ही आपको खाने को ना मिले किसी भी स्थिति में हो आप, लेकिन ये इंस्टिंक्ट है कि किसी को दुखी देख के, जैसे कुछ हो गया उसको, कोई मरीज उसे देख के आप, या किसी को रोता हुआ देख के आप थोड़ा लगता हुआ कि अरे क्या हो गया। सो ये ही इमोशन वाला इंस्टिंक्ट है आपका, लेकिन ये लायन में नहीं होता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखते हैं हमें कि हिरन के बच्चे को पाला, दैट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, वो केमिकल कुछ लोचा हुआ होगा, लेकिन दिस इज नॉट जनरल केस। सो लायन का इंस्टिंक्ट है कि वो मार के ही खाएगा वो, और वो सेल्यूलोज और इन सब को पचाने की उसकी शक्ति नहीं है कि घास भूसा ऐसे खाएगा वो, मारेगा वो। तो यदि वो ये सोच ले कि कितना प्यारा हिरन है क्या मारे, कभी लक नहीं मर जाएगा तो वो ये सब नहीं चलेगा। देयर इज ह्यूमर, देयर इज लायन, इंस्टिंक्ट ऑफ लायन। अभी भी दौड़ा है अच्छा ये देखो, जो यदि ड्यूल स्टार की बात करें, दो स्टार, एक बहुत हैवियर हो, बहुत बड़ा स्टार है, एक छोटा स्टार है, फिलहाल अर्थ सन की बात नहीं कर सकते क्योंकि और भी प्लैनेट का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि केवल अर्थ और सन ही होते तो यही स्थिति होती, जिसको ड्यूल स्टार मान लें, जो कोर्स में है, चार बार आ चुका है क्वेश्चन। सो इसका ये दोनों फ्रीली सेंटर मास के अबाउट ही रोटेट करते हैं, इन दोनों का सेंटर मास यहाँ पे है, इसका अपना सेंटर मास कम रेडियस में रोटेट कर रहा है ज्यादा, और डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं। कोई प्रूव कर सकता है कि सेंटर मास के अबाउट रोटेट करना मस्ट है? कौन बताया, कोई बताया क्यों जरूरी है सेंटर मास के अबाउट रोटेट करना? अगर हमने ये यहाँ पे कहा तो इनका सेंटर मास के इधर आया होगा, जब ये रोटेट करके यहाँ चले गया कैसे मालूम कि सेंटर मास रेस्ट में रहा है वो, उसी के अबाउट अगर बहुत थोड़ा सा रोटेट करे कोई सेंटर मास के। क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
मैं ये कह रहा हूँ ये जो सेंटर ऑफ मास है ये सेंटर ऑफ मास ही क्यों कहूँ, मैं नहीं सकता कि भाई ये सेंटर ऑफ मास कहीं और हो, भी घूम रहा है, कोई दिक्कत है। डिवन स्टार सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों रोटेट करता है? डिवन स्टार मतलब दो स्टार सिस्टम, आपका सेंटर ऑफ मास म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। अगर सेंटर ऑफ मास के बाहर रोटेट नहीं करेगा तो चलने लगेगा, नहीं तो घूमने को चलने को। चलो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, नहीं नहीं सेंटर ऑफ मास एक्स्ट्रा तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टेकर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। अगर ये पूरा एक सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा और दोनों ही घूमेगा। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है और इसके अबाउट ही रोटेट करता है वही तो क्वेश्चन है ना। चल सकता है तो सेंट्रल मास का ट्रांसलेटरी मोशन होगा स्ट्रेट लाइन और उसके अबाउट ही घूमेगा, तो मेरा क्वेश्चन है उसी के अबाउट ही क्यों घूमेगा, ये क्वेश्चन था ना। तो क्यों घूमेगा वो सुनो, यदि ये किसी और के अबाउट घूमे तो सेंटर ऑफ मास को चलना पड़ेगा ना, उसे भी घूमना होगा तो कर्व पास हो जाएगा, ऐसे ऐसे यदि ट्रांसलेट करेगा तो भी ऐसे ऐसे चलना होगा, या फिर यहीं पे चले तो ऐसे सेंटर ऑफ मास घूमना होगा। यदि कर्व पास किसी भी पॉइंट का हुआ तो एक्सेलरेशन मस्ट होता है, बिना एक्सेलरेशन के कर्व मोशन हो ही नहीं सकता, भले ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो, मतलब भले ही स्पीड बदले या ना बदले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना मतलब स्पीड नहीं बदलना, तो भले ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो मतलब स्पीड बदले या ना बदले, पर रेडियल एक्सेलरेशन मस्ट होता है कर्व में। तो ये मतलब था कि एक्सटर्नल फोर्स दोनों मिला के एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, और यदि कर्व मोशन हुआ नहीं तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्यों एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स न लगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो एक और केस हो सकता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता हुआ सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में घूमता है, कैसा मोशन करेगा, कर्व मोशन तो कर ही नहीं सकता हो, क्यों नहीं कर सकता, कर्व मोशन किया नहीं कि एसीएम हो जाएगा, और एसीएम हो जाएगा तो एयर फोर्स की जरूरत होगी जो कि है नहीं यहां, कि कैसे फोर्स की बाहरी या आपस वाली नहीं, क्योंकि सिस्टम में तो दोनों माना गया है, सिस्टम में तो दोनों मान गए, एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। अच्छा मैं अभी गया था सूल टंकेश्वर गया था, भैया वहीं पे रहते हैं, हमारे सीनियर है, तो सूल टंकेश्वर यहाँ पे है, बड़ा पॉपुलर है, शिव जी का मंदिर है, तो वहां पे एक आदमी को देखा था ऐसे तर रहा था, मतलब बस इतना पोर्शन निकला हुआ था और ऐसे तर रहा था, वो हाथ में निकला था, मैं तो हाथ में चला था तो भी जाता हूँ, तो स्विमिंग नहीं आती है मतलब, मैं ट्राई किया हूँ कई बार, उस पर बात होने लगी प्रवीण भैया से जो हमारे सीनियर है मैकेनिकल के, तो मैं ये कैसे, तो डिस्कशन काफी होने लगा, जबकि मैं जानता हूं कि ओवरऑल एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लिटिल बिट हायर देन वाटर, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो मैं कहा कि ये हो सकता है कि भाई हल्का सा सांस भर लेते होंगे थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा देता होगा, फिर उसके बराबर होगा तो फिर अपना ऐसे जाते होंगे, कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये मेरे एक दोस्त ने तबलाने में ढंगाने ऐसे किए ऐसे करके इतना पोर्शन निकाल देते हैं और आराम से उतरते हैं बिना ऐसे किए, तो रीजन यदि वैसे करना भी है तो एक बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट आपका अंदर होना चाहिए, और बायंसी फोर्स जहां पे वॉल्यूम के सेंटर पे लगे
उसी के लॉन्ग सेंट्रल मास पर एम जी नीचे लगे, नहीं तो कपल बन जाएगा, आप रोटेट कर जाएंगे। अरे देख दो, समझ में आ रही बात? तो जो 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 चलते रहते हैं ना, वो काफी पार्ट उनका डूबा रहता है, इतना पोर्शन निकला रहता है, लेकिन वो केवल वही कर सकता है प्रैक्टिस से जो कॉन्फिडेंट हो कि ये निकला ही रहेगा। हमारे जैसा हमें तो हर बार डूब जाए, उसमें घुस जाए, दिक्कत है, पर सही में उसको भी हुई होगी जो सीखा होगा। लेकिन लेकिन अच्छा, जैसे ही आप डूबने लगेंगे ना, तो आप तो लगेगा कि जो थ्योरी थी घुस गई अंदर, वो आपके अंदर आ ही नहीं सकता, वो लगे कि गए। नहीं तो सच ये है कि जो उसके साथ हो रहा है आपके साथ होगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ ही नहीं सकता, वो हड़बड़ा जाएंगे आप, और ये भी अंदर चला जाएगा, अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा समझ ही नहीं आओगे। तो ये समझ में आया, ताकि क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो है, नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो है, और नेट टॉर्क जीरो है, और यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है, और नेट टॉर्क भी जीरो है, समझ में आ रहा है? कुछ और भी है आइटम क्या? हाँ, ये देखो, ये अभी दिखा रहा है कि किस तरह से हैमर फेंक रहा है, लेकिन अभी इसको इसको फिर से कैसे दिखाता सेंटर ऑफ मास का, यदि हम लोग इसको फिर से फेंके और पीछे स्क्रीन वो कर दे, ब्लैक कर दे, और उस पे मार्क लगा दे रेड का सेंटर ऑफ मास के, तो वही फेंका जा रहा है ऐसे, लेकिन सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पार्ट दिखेगा आपको, दिख रहा है? इसको हटा के फेंकिए, पर सेंटर ऑफ मास का पैराबोलिक पार्ट होगा, फिर से देख सकते हैं आप लोग, उसी को फेंक रहा है, ये घूमता हो जा रहा है, पर सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक है। और पीछे ब्लैक कर दे ताकि उसी कलर का, तो आपको से ऐसे केवल यही वाला पॉइंट दिखेगा। फिर से मैं कहूंगा कि सेंटर मास ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीजन है कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी पर। यदि बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। यदि किसी बॉडी पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर यदि कांस्टेंट फोर्स लगे तो एसीएम कांस्टेंट होगा, और एसीएम कांस्टेंट हो गया होगा तो सेंटर ऑफ मास का केवल दो ही पाथ संभव है, कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन या तो ये ऐसे ही याद है ना, ऐसे फेंकना होता है, तो वही वाली बात यहाँ पे है। बाकी ओवर हो गए क्या? चलिए फिर आगे बढ़ें। थैंक यू।